ये इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, अतीक और अशरफ से एटीएस की पूछताछ हो रही है, यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी अब अतीक और अशरफ से पूछताछ कर रहा है। जिस तरह की जानकारी सामने आई थी कि अतीक के आईएसआई के साथ संपर्क है, पेमेंट तक हुई है, आईएसआई के एजेंट के साथ संपर्क था, और जो आईएसआई के जासूस यूपी में पकड़े गए थे उन्होंने भी अतीक का नाम लिया था मदद करने के लिए। सीधे विशाल प्रताप सिंह के पास चलते हैं जो ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने खुलासा किया कि आईएसआई के साथ संबंध थे, अब एटीएस की टीम पूछताछ के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ जानना चाहती है एटीएस अतीक से? देखिए पवन, चूंकि इस मामले में टेरर एंगल भी जुड़ गया है, रिमांड कॉपी में यूपी पुलिस ने साफ साफ लिखा है कि पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के साथ संपर्क, लश्कर ए तैयबा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ संबंध, और ड्रोन के जरिए सीमा पार से हथियार गिराए जाते थे इंडिया की सीमा में और फिर वहां से खेप बांटी जाती थी, जो ड्रग और जो पैडलर्स होते थे या हथियार के तस्कर होते थे उनके जरिए ये पूरा खेप आगे बढ़ाया जाता था। इसी वजह से प्रयागराज की जो लोकल पुलिस है यूपीएसटीएफ है, और अब से कुछ देर पहले यूपीएटीएस की टीम भी धूमनगंज थाने पहुंच गई है और तीनों एजेंसीज मिलकर इस समय ज्वाइंट इंटरोगेशन कर रही है अतीक का, अशरफ का, ताकि इस पूरे मामले का सच सामने आ सके कि हथियारों की खेप कहां से आई, पाकिस्तानी एजेंसी से क्या कनेक्शन था, किस किस तरीके से पैसे दिए गए और क्या इस हत्याकांड में कोई पाकिस्तानी कनेक्शन भी है। क्योंकि जिस तरीके से अतीक ने अपना कबूलनामा किया था, रिमांड कॉपी में जिक्र था कि मेरे पास बम की, पैसे की और हथियार की कोई कमी नहीं है, तो आखिर वो कौन लोग थे सीमा पार से जो कि अतीक को इस तरीके से फैसिलिटेट कर रहे थे? यही वजह है कि तीनों एजेंसी मिलकर के ज्वाइंट इंटरोगेशन कर रही है ताकि जो भी इन्वेस्टिगेशन का निचोड़ निकलता है उसको चार दिनों में हासिल किया जा सके और कोर्ट में जब दोबारा पेशी के लिए जाया जा सके अतीक अशरफ को, तो आगे की जांच कैसे आगे बढ़ाई जाएगी इसको लेकर के कॉमन पैसेज तैयार करने की एक कोशिश की जा रही है यूपी पुलिस, यूपीएसटीएफ और यूपीएटीएस की तरफ से। यही वजह है कि धूमनगंज थाने में तीनों एजेंसी जुट करके इस समय ज्वाइंट इंटरोगेशन कर रही हैं इन दोनों ही माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ से। विशाल, एक सवाल यह कि आईएसआई ने हथियार उपलब्ध करवाए, अतीक ने पैसा दिया, लेकिन अतीक ने आईएसआई की मदद इसके अलावा कैसे की, क्या भूमिका आई है आईएसआई की मदद करने के लिए? देखिए, आईएसआई के कनेक्शन को समझने के लिए बहुत आसानी से समझा सकता है कि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, पता यह लगा है कि 2010 में और 2011 में आईएसआई के जो एजेंट्स इंडिया से गिरफ्तार किए गए थे उसमें से एक मेरठ से गिरफ्तार किया गया था, इत्तफाक से उसका नाम भी असद था, और एक गिरफ्तारी जो महत्वपूर्ण हुई थी वो रुड़की से हुई थी, यानी कि उत्तराखंड से हुई थी। दोनों ही पैडलर से जब पूछताछ की गई थी, आईएसआई से संबंधों के बारे में जानकारी ली गई थी, तो ये पता लगा था कि उन दोनों पैडलर्स की मुलाकात, आईएसआई एजेंट्स की मुलाकात बाकायदा अतीक से और अशरफ से हुई थी, और अतीक और अशरफ के गुर्गों ने बाकायदा उनकी यहां पर मदद भी की थी पासपोर्ट बनवाने में, और जब उनको यहां पर एक सेफ पैसेज चाहिए था, सेफ हाइडआउट चाहिए था, तो भी अतीक के लोगों ने मदद की थी। इसके अलावा जो अतीक की शेल कंपनीज हैं, यानी कि जिसमें इन्वेस्टमेंट अतीक अहमद की तरफ से किया गया है अपने क्लोज एसोसिएट्स की कंपनी में, उन एसोसिएट्स की कंपनी के जरिए बाकायदा यूसुफ जो कि आईएसआई का एजेंट है उसके अकाउंट में पैसे न सिर्फ इंडिया में डाले गए थे बल्कि नेपाल में डाले गए थे, और सलीम उर्फ पतला जो कि आईएसआई का बड़ा कमांडर बताया जा रहा है उसके डायरेक्ट टच में था यूसुफ। तो ये जो कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है यूसुफ के साथ, आईएसआई कमांडर के साथ, और अतीक और अशरफ के गुर्गों के साथ, ये अपने आप पे दिखाने के लिए काफी है कि न सिर्फ कनेक्शन था, मदद थी, बल्कि अकाउंट्स में पैसों का भी बड़ा लेन देन किया गया था। यही वजह है कि प्रवर्तन निदेशालय जो इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, 16 शेल कंपनीज के बारे में जानकारी मिली है जिसमें दो स्पेसिफिक के बारे में जानकारी मिली है जिसमें ज्यादा पेमेंट की डिटेल्स शामिल हुई है, और यही वजह है कि अतीक और अशरफ पे अब जब कानून का शिकंजा कसना शुरू हो गया है तो उसकी शुरुआत इन शेल कंपनीज से हुई है जिसका सीधा वास्ता अतीक से था, और आईएसआई के एजेंट्स के अगर अकाउंट में पैसे डाले जा रहे थे, बड़ी संख्या में डाले जा रहे थे, तो इसकी पूरी ट्रेल बनाई जाएगी और प्रवर्तन निदेशालय ईडी यानी कि इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाएगा और अपनी जांच के जो फैक्ट्स होंगे वो यूपी पुलिस के साथ, यूपीएटीएस के साथ, यूपीएसटीएफ के साथ शेयर करेंगे ताकि सारी एजेंसीज मिलकर के एक साथ माफिया के खिलाफ जब धावा बोलेंगी तो निश्चित तौर पर कोर्ट में इस केस को आगे बढ़ाने में और इसको प्रोसीड करने में एजेंसीज को खासी मदद मिलेगी। विशाल, एक सवाल ये भी है कि मान लीजिए 2010 और 11 में आईएसआई के एजेंट्स का पता चला था जिन्होंने कबूल किया था कि अतीक ने उनकी मदद की, तो क्या अब पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि वो लिंक आने के बावजूद 10-11 में जांच आगे क्यों नहीं बढ़ी, अतीक को बचाने में किन किन की भूमिका थी, कौन से वो राजनीतिक आका थे जिन्होंने अतीक का नाम आने नहीं दिया जांच में, क्या इस बात की भी जांच की जाएगी?
देखिए, यूपी सरकार और यूपी पुलिस का जो इस पूरे मामले में मत है वो बिल्कुल साफ है कि जो भी दोषी होगा, चाहे वो सरकारी अधिकारी रहा हो, प्राइवेट व्यक्ति रहा हो, या फिर इलाहाबाद का कोई व्यक्ति रहा हो, या फिर किसी भी एजेंसी में काम करने वाला, चाहे छोटा वर्कर रहा हो सरकारी या फिर बड़ा वर्कर रहा हो, जिसने भी अतीक की मदद की होगी, ऐसे लोगों की जो फहरिस्त है, सूची है, वो भी तैयार कर ली गई है। 178 ऐसे कर्मी मिले हैं सरकारी जिन्होंने अतीक की जबरदस्त तरीके से न सिर्फ मदद की है बल्कि उसके काले साम्राज्य को आगे बढ़ाने में भी पूरी तरीके से मदद की है। तो ऐसे लोगों के पूरी खाका तैयार किया जा रहा है। सीएम ऑफिस ने साफ साफ मॉनिटरिंग करनी शुरू कर दी है और सीधा कह दिया गया है कि जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पता यह भी किया जाएगा कि जब 2010 में 2011 में आईएसआई के एजेंट पकड़े जाते हैं, अतीक का नाम लेते हैं, तो अतीक के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उस दौरान सीनियर्स कौन थे, जिम्मेदार लोग कौन थे, किन्होंने यह आदेश को रुकवा दिया और किसने आदेश को आगे नहीं बढ़ने दिया, ये सब कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको लेकर सरकार आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में देखा जा सकता है कि जो कार्रवाई पहले नहीं हुई थी उस कार्रवाई को अब सुनिश्चित किया जाएगा। ताकि विशाल यहां पे बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं कि 178 ऐसे पुलिस के कर्मी और अधिकारी हैं जिन्होंने अतीक की मदद की, अब वो भी रडार पर हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।